हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का यूनिट फर्स्ट लेक्चर हम लोग का डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग को पढ़ना है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को स्टार्ट करने से पहले इसेंट्रिक लोडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसेंट्रिक लोडिंग? इसेंट्रिक लोडिंग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का एक पॉइंट है, एक पार्ट है उसका। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग क्या होता है। इसेंट्रिक लोडिंग इसको बोलते हैं कि कोई भी लोड अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अवे कोई लोड लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। व्हेन लोड एक्ट्स अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड इसेंट्रिक लोडिंग। सब आइए समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है इसेंट्रिक लोडिंग। लेट अस सपोज कोई हम लोग एक बीम ले लेते हैं, दिस इज द बीम। उस बीम का एक एंड को क्या करते हैं हम लोग? फिक्स कर दिए, दिस इज द फिक्सिंग। उसके बाद हम लोग उसका सबसे पहले उसका एक्सिस देख लेते हैं। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? जेड एक्सिस है। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस, उसका क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। दिस इज द एक्स एक्सिस, बीम का क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल, तो इसेंट्रिक लोडिंग क्या बोलता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस से कोई भी लोड है तो अगर वो अवे लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे। तो लेट अस सपोज कि कोई एक लोड लगा दे रहे हैं, या लोड कैसा हो गया? कंप्रेसिव हो गया, या फिर कैसा हो सकता है? टेंसाइल नेचर का हो सकता है। तो कोई भी लोड अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अवे लगा रहे हैं उस बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? उस बीच के डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। और वो अगर कोई हम लोग इस डिस्टेंस अवे कोई लोड लगा रहे हैं तो उस लोडिंग को क्या बोलेंगे? उस लोडिंग को इसेंट्रिक लोडिंग बोलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसेंट्रिक लोडिंग हम लोग को जनरली कॉलम या पिलर के लिए पढ़ना पड़ता है। तो देखते हैं कि कॉलम पिलर में कैसे लोडिंग लगता है। तो लेट अस सपोज दिस इज द कॉलम, कॉलम हो गया जिसका बेस कितना हो गया? बेस हो गया बी, और लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया एल हो गया। इसका क्या हो गया? दिस इज द जेड एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या इसको न्यूट्रल एक्सिस भी बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल एक्सिस पे ना लगा कर कोई इसके अवे कोई एक लोड लगा लेते हैं। दिस इज द लोड पी, पी कैसा लोड है? इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर हो गया हम लोग का कंप्रेसिव। तो इसका अगर हम लोग टॉप व्यू देख लेते हैं तो टॉप व्यू कैसा रहेगा? टॉप व्यू इसका रेक्टेंगल बनेगा। तो दिस इज द टॉप व्यू, ए बी सी डी इसका टॉप व्यू हो गया। इसका एक्सिस अगर देख लेते हैं दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो लोड अगर हम लोग लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अवे लगा रहे हैं तो या तो अगर इसका टॉप व्यू में देखेंगे तो या तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग लगेगा या फिर वाई एक्सिस का लॉन्ग लगेगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्री में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे लोड हो गया, या लोड हो गया पी हो गया। और इसका इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर टेंसाइल है, मतलब पिलर के अंदर के तरफ लग रहा है। तो अंदर के तरफ लग रहा है तो इसको किससे शो करेंगे? तो इसको क्रॉस से शो करेंगे। ओके, तो यह लोड लग गया तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस से ई डिस्टेंस दूर लग रहा है, ई डिस्टेंस अवे लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक्स सफिक्स इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह एक्स डायरेक्शन में हो गया। और कैसे लगता है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है। तो देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम लोग को अगर इसेंट्रिक लोडिंग दिया हुआ तो कैसे अप्रोच होना चाहिए कि इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम लोग लोड कोई अवे लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस से अवे पे कोई लोड लग रहा है, तो हम लोग को सबसे पहले इस लोड को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग। अगर इसको न्यूट्रल एक्सिस का लॉन्ग शिफ्ट करते हैं तो हम लोग को क्या प्रोड्यूस होगा? तो इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम प्रोड्यूस होगा। ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, कोई पी लोड लगा रहे हैं जो कंप्रेसिव नेचर का हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लोड लगाए हैं तो हम लोग के यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग लेट अस सपोज कि यहाँ पे हम लोग एक डमी लोड को कंसीडर करते हैं। डमी लोड मींस हम लोग मान लेते हैं कि एक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स मान लेते हैं, एक अपवर्ड फोर्स मान लेते हैं जो टेंसाइल नेचर का हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल देखिए कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा,
क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हो गया, तो यहाँ पे जीरो फोर्स का कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे दो फोर्स हो गया, एक डाउनवर्ड फोर्स हो गया, एक अपवर्ड फोर्स हो गया। तो ये पी फोर्स, ए फोर्स, और अगर हम इन दोनों फोर्स को कंसीडर करते हैं तो ये क्या बना रहा है, तो एक इक्विवेलेंट मोमेंट को बना रहा है, एक फोर्स कपल सिस्टम बना रहा है। देखिए फोर्स कपल सिस्टम बना रहा है, मोमेंट लगा रहा है, तो मोमेंट कैसे लगा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट हो जा रहा है। और फिर बच गया ये फोर्स बच गया, कंप्रेसिव फोर्स बच गया। तो अगर हम लोग लोड को अगर शिफ्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तरफ में, तो क्या क्या लग जा रहा है, एक तो हम लोग के यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग जा रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा एक मोमेंट लग रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, इस मोमेंट, इस अगर लोड को शिफ्ट कर रहे हैं तो दो 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 फोर्स लग रहा है, एक तो कंप्रेशन लग रहा है, दूसरा मोमेंट लग रहा है। आइए इसके अलग अलग देख लेते हैं कि अलग अलग कैसे लगता है। लोड को शिफ्ट करने पर सबसे पहले कंप्रेशन लग रहा है, तो कंप्रेशन लगा दिए हैं, उसके बाद मोमेंट लग रहा है तो मोमेंट लगा दिए हैं। मोमेंट के डायरेक्शन कैसा है, तो मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग लगा दिए हैं। तो कंप्रेशन अगर लगा है तो कंप्रेशन कहाँ पे लगा है, कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस का लॉन्ग लगा है, तो न्यूट्रल एक्सिस का लॉन्ग लगा दिए हैं। तो अगर इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देख लेते हैं, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में क्या हो गया, यहाँ पर तो हर जगह तो कंप्रेशन लग रहा है, तो हर जगह कंप्रेशन लगा दिए, कंप्रेशन लगा दिए, कंप्रेशन लगा दिए हैं। इसको सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। कंप्रेशन को कैसे हम लोग, कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर साइन निगेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि कंप्रेशन साइन, इसलिए इसको क्या लिए हैं, निगेटिव लिए हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं मोमेंट पर देख लेते हैं, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से फोर्स तो लग गया, यहाँ पे पी लग गया फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई एक्स हो गया। तो मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू ई एक्स हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि मोमेंट किस एक्सिस के लॉन्ग लगा है। मोमेंट देखिए, जनरली मोमेंट किस एक्सिस का लॉन्ग कैसे पता चलेगा कि किस एक्सिस का लॉन्ग लगा हुआ है, तो जनरली हम लोग जिस एक्सिस के अलोंग हम लोग अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, उसी एक्सिस के अलोंग हम लोग का मोमेंट होता है। तो हम लोग किस एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हैं, तो हम लोग वाई एक्सिस से लिए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट भी किस तरह लग जाएगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग लग गया। कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। तो देखिए मोमेंट यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे इस पे मोमेंट लगने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि कंप्रेशन और टेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले इसका टॉप व्यू कंसीडर करते हैं, टॉप व्यू हो गया, यहाँ पे लोड कैसे लग रहा है, यहाँ पे लोड कंप्रेशन लग रहा है। तो कंप्रेसिव लोड क्या करना चाहेगा, कंप्रेसिव लोड इसको नीचे धक्का देगा, धक्का देने के कारण बीसी जो हम लोग का पोर्शन हो गया, तो नीचे जाने का कोशिश करेगा। अगर बीसी नीचे जाने का कोशिश करेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो एडी पोर्शन क्या, ऊपर उठने के कारण कोशिश करेगा। जब बीसी नीचे जाने की कोशिश करेगा, एडी क्या होगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कैसा प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ऊपर उठने के कारण यहाँ पर टेंसाइल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बीसी और एडी फेस पे अगर हम लोग देख लेते हैं, बीसी पोर्शन पे, जब बीसी पोर्शन पे क्या लग रहा था, बीसी पोर्शन पे कंप्रेशन लग रहा था, एडी पोर्शन पे क्या लग रहा था, एडी पोर्शन पे टेंशन लग रहा था। तो हम लोग इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इस फेस पे क्या, इस पोर्शन पे क्या लग रहा था, कंप्रेशन लग रहा था, तो इसको हर जगह यहाँ पे क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो कंप्रेशन को हम लोग नीचे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे बना लेते हैं, टेंशन को ऊपर बना लेते हैं। और हम लोग का जो मिड हो गया, जहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे क्या लगेगा, जीरो हो जाता, हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस में देख लिए थे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हर जगह क्या लग रहा है, हर जगह टेंशन लगेगा, हर जगह यहाँ पर क्या लगेगा, हर जगह यहाँ पर कंप्रेशन, कंप्रेसिव कंप्रेशन लग जाएगा, यहाँ पर हर जगह टेंशन 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 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा क्या दिक्कत हो रहा है। आइए देख लेते हैं कि इस लोड को शिफ्ट करने की वजह से एक क्या लग गया, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लग गया, दूसरा क्या लग गया, मोमेंट लग गया। आइए देख लेते हैं कि एडी फेस और बीसी फेस पे
स्टेज कौन कौन सा स्टेज लग रहा है। सबसे पहले हम लोग एडी फेस को, एडी पोर्शन को हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं। एडी पोर्शन पे इस डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, इसके कंप्रेशन के कारण एक लगेगा स्ट्रेस, और दूसरा क्या लगेगा, तो दूसरा मोमेंट के कारण लगेगा स्ट्रेस। तो मोमेंट के कारण कैसा स्ट्रेस लगेगा, मोमेंट के कारण टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग का लगेगा। तो हम लोग ओवरऑल जो रिजल्टेंट हम लोग का होता है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा डी डायरेक्ट के कारण प्लस सिग्मा बी बेंडिंग के कारण, जो दोनों का स्ट्रेस आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो एडी पे कौन कौन सा आ रहा है, सिग्मा डायरेक्ट के कारण कंप्रेशन आ रहा है, और बेंडिंग के कारण क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो देख लेते हैं, सिग्मा डी हम लोग डायरेक्ट के कारण क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या, कैसे हम लोग दिखते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया से देखते हैं, जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया देख लिए। इसका साइन नेगेटिव क्यों ले लेते हैं, क्योंकि एक कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन को हम लोग साइन नेगेटिव ले लिए। प्लस सिग्मा बी, सिग्मा बी क्या हो गया, बेंडिंग के कारण प्रोड्यूस हो गया स्ट्रेस। बेंडिंग कारण कैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, कितना होता है, तो हम लोग जनरली जानते हैं फ्लेक्जर फॉर्मूला से, जो बेंडिंग स्ट्रेस में हम लोग को पढ़ना था, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आई। तो हम लोग के यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा हम लोग को देता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, एम बाई आई इन टू वाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सिग्मा क्या है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है, एम क्या है, तो एम बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग कितना हो गया, बेंडिंग मोमेंट हम लोग को हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स कितना, पी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई एक्स हो गया। तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट पी इंटू ई एक्स हो जाएगा। आई क्या है, तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग किस एक्सिस का लोंग ले रहे हैं, तो जिस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते उसी से एक्सिस से हम लोग लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा, तो इसका डेप्थ कितना हो गया, इसका डेप्थ हो गया डी। इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाएगा डी इंटू बी क्यू बाई ट्वेल्व। आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया। वाई क्या हो गया, तो वाई हो गया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम कितना पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, मान लेते हैं कि वाई एक्सिस से ले रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको होता है मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग के जिधर फोर्स लग रहा है उतना कितना हो जाएगा, उधर हो जाएगा बी बाई टू हो जाएगा। तो हम लोग बी बाई टू ले लेंगे। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम वाई बाई आई वाई वाई इंटू एक्स मैक्स, एक्स मैक्स हो गया। तो हम लोग के डायरेक्ट के कारण पी बाई ए हो गया, तो पी बाई ए एरिया को हम लोग बी इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ भी लिख सकते हैं। प्लस एम वाई मोमेंट कितना हो गया, मोमेंट हो गया पी इंटू ई एक्स हो गया बाई बट्टा में आई वाई वाई। तो आई वाई वाई कितना हो जाएगा, डी इंटू बी क्यू बाई ट्वेल्व, डी इंटू बी क्यू हो गया बाई ट्वेल्व है, तो बाई ट्वेल्व ऊपर में चला जाएगा इंटू एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, एक्स मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस बी बाई टू हो गया। इसको उसके बाद कट करेंगे, कट करने के बाद हम लोग के इतना बच जाएगा सिग्मा ए टी बराबर माइनस पी बाई बी टी हो गया, प्लस टू से ट्वेल्व कट जाएगा सिक्स बच जाएगा यहाँ पे पी इंटू एक्स, एक बी से एक बी कट गया, तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा डी बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा सिक्स इंटू पी पी इंटू एक्स बच गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे पी पी कॉमन हो जाएगा, पी बाई बी डी कॉमन हो जाएगा, तो पी बाई बी डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा सिक्स ई एक्स बाई बी माइनस वन बच जाएगा। तो हम लोग देखें कि ए डी पे कितना टोटल स्ट्रेस लग रहा है, तो ए डी पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, पी बाई बी डी इंटू सिक्स ई एक्स बाई बी माइनस वन लग रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बी सी पे देखते हैं, बी सी पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, तो बी सी पे भी किस किस कारण से स्ट्रेस हम लोग को प्रोड्यूस होगा, एक तो डायरेक्ट के कारण होगा, डायरेक्ट के कारण क्या होगा, कंप्रेशन होगा, दूसरा बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा, बेंडिंग मोमेंट के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं सिग्मा बी सी पे डायरेक्ट के कारण होगा, दूसरा बेंडिंग के कारण होगा। डायरेक्ट के कारण कितना हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया नेगेटिव साइन कंप्रेशन के कारण। बेंडिंग के कारण भी कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही लेक्चर फार्मूला से हम लोग देख लेंगे कि एम वाई बाई आई वाई वाई इंटू एक्स हो जाएगा। इसका भी साइन निगेटिव रहेगा, निगेटिव साइन इसलिए रहेगा क्योंकि यह कंप्रेशन है।
इसको पी वाई ए को हम लोग पी वाई बी डी भी लिख सकते हैं, एरिया को बी इंटू डी कर सकते हैं। मोमेंट कितना हो गया, पी इंटू ई एक्स हो गया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, डी बी क्यू बाई 12 हो जाएगा। एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, एक्स मैक्स बी बाई 2 हो जाएगा। इसको भी कट करने के बाद कितना जाएगा, पी बाई बी डी आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, माइनस साइन के साथ इसका आ जाएगा 6 PEx बाई डी बी स्क्वायर। अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस पी बाई बी डी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 6 EX बाई B बच जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग को सिग्मा बी सी कितना आ जा रहा है, बी सी पे कितना स्ट्रेस आ जा रहा है, बी सी पे हम लोग का स्ट्रेस आ जा रहा है माइनस पी बाई बी डी 1 प्लस 6 EX बाई B आ जा रहा है। हम लोग ए डी पे स्ट्रेस निकालिए, बी डी पर स्ट्रेस निकालिए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक फोर्स तो कंप्रेशन के, एक स्ट्रेस तो कंप्रेशन के कारण आ रहा है ए डी पर। अगर हम लोग देखते हैं तो ए डी पे एक एक स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है, तो कंप्रेशन के कारण आ रहा है, दूसरा टेंशन के कारण आ रहा है। अगर ओवरऑल सम अगर इसका समेशन करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया, एक निगेटिव स्ट्रेस हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर इस बी सी फेस पे देख लेते हैं तो एक तो डायरेक्ट के कारण कंप्रेशन आ जा रहा है, दूसरा बेंडिंग के कारण भी कंप्रेशन आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बी सी पर स्ट्रेस अगर देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो बी सी पर देख लेते हैं, तो बी सी पर कितना स्ट्रेस हो रहा है, माइनस पी बाई बी डी 1 प्लस 6 EX बाई B हो जा रहा है। तो हम लोग को मैक्स का मैक्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मैक्सिमम इस देखिए ई एक्स हो गया, तो ई एक्स हम लोग जो लोड यहाँ पे लगा है, हम लोग का डिस्टेंस लोड यहाँ पे लग रहा है, डिस्टेंस ई एक्स यहाँ तक हो गया। ई एक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, ई एक्स मैक्सिमम बी बाई टू तक मैक्सिमम हो सकता है, ई एक्स मैक्सिमम बी बाई टू तक हो सकता है। तो हम लोग जनरली ई एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ई एक्स के जगह पे बी बाई टू को अगर हम लोग पुट करते हैं, बी बाई टू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई बी डी हो जाएगा 1 प्लस 6 ई एक्स के जगह बी बाई टू हो जाएगा, नीचे में क्या बचेगा, बी बच जाएगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो बी सी पे कितना फोर्स हो गया, बी सी पे फोर्स हो गया -P/-4P/BD हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए डी पे मैक्सिमम निकालेंगे तो ए डी पे कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, ए डी पे कितना आ जा रहा है, ए डी पे कितना स्ट्रेस है, 6 EX/B-1 EX को भी हम लोग क्या, EX क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, EX मैक्सिमम बी बाई टू पे, यहाँ अभी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे EX यहाँ तक के डिस्टेंस है, मैक्सिमम यहाँ तक के हो सकता है। तो यहाँ तक कि ये पूरा पूरा कितना है, पूरा हो गया बी हो गया, तो आधा कितना हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा, तो बी बाई टू पे हो जाएगा। तो EX के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, EX की जगह बी बाई टू पुट कर देंगे, तो सिग्मा ए डी मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, पी बाई बी डी, यहाँ से इस फॉर्मूला पे EX की जगह बी बाई टू पुट कर देंगे, पी बाई बी डी 6/B, अब EX के बी बाई टू माइनस 1 पुट कर दिए, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, सिग्मा मैक्स 2P/BD आ जा रहा है। तो इस यहाँ पे AD पे क्या कितना रहा है, 2P/BD आ रहा है, BC पे क्या रहा है, यहाँ पे कितना रहा है, 2P/BD आ जा रहा है, इस पे क्या जा रहा है, 4P/BD आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि BC पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 गुना ज्यादा है AD फोर्स से। क्यों 2 गुना ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट के कारण और कंप्रेशन कारण दोनों के कारण हम लोग के कंप्रेसिव स्ट्रेस मिला, तो इसीलिए ऐड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक डायरेक्ट के कारण कंप्रेशन हुआ और दूसरा दूसरा पेंडिंग के कारण टेंशन हो गया, जिसके कारण ओवरऑल कम हो गया, इस पे ओवरऑल ऐड हो गया दोनों के कारण, तो यहाँ पे 2 गुना ज्यादा स्ट्रेस हम लोग के मिला AD पोर्शन को BC से। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।